मैं क्यों चलूं? हाँ मेरे साथ ही है। बदतमीजी नहीं करी, मेरा इलाज करो, करो जो इलाज करना। वीडियो मैं भी खींच सकती हूँ, ठीक है? वीडियो मैं भी बना सकती हूँ। तो बना ना आके बतिया। चल। क्या बोली? क्या बोली? ये जो अभी आपने वीडियो देखी मरीना चौधरी सांबा से, हमारे यहाँ की जानी मानी कुश्ती कर्नल सोनधर के बेटे मनोज कुमार और उनकी बहू अंजू वर्मा की है, जो पेशे से वकील हैं और सांबा कोर्ट में काम करते हैं। आज जब मैं अपने घर से सांबा की तरफ जा रही थी तो दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस में इन लोगों ने जबरदस्ती मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की विद क्रिमिनल इंटेंशन। गाड़ी से निकलते ही गाली गलौज और बदतमीजी पे आ गए। मेरा जबकि मेरी गाड़ी लॉक थी अंदर से, इन लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे पे अटैक करने की कोशिश की और काफी देर ये बाहर गाली गलौज करते रहे और ये धमकाते रहे कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका इलाज करना। काफी सारे लोग जब वहां से गुजर रहे थे उन लोगों ने पूछा भी कि आप ये क्या कर रहे हो और ये गलत कर रहे हो, ये लोग तब भी नहीं माने। तो मैं ये कहना चाहूंगी पेशे से जो वकील हैं, वकील एक बहुत ही इज्जत वाला ओहदा है, एक बहुत ही लोगों को न्याय दिलाने वाला ओहदा है, लेकिन आज इन जैसे घटिया सोच वाले क्रिमिनल माइंडेड लोग जो वकील की पूरे ग्रुप को या कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में भी एक वकील है और मैं वकीलों की तहे दिल से इज्जत करती हूँ, लेकिन इन जैसे लोग जिनकी माइंडसेट शायद अभी भी गलत है, वकालत को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं और पेशे से वकील होने के बावजूद इन लोगों ने कानून हाथ में लिया और जबरदस्ती मेरा रास्ता रोककर, अभी मुझे सूत्रों से ये भी पता चला शाम को कि शायद ये लोग प्लान कर रहे थे कि मुझे किडनैप करके कहीं अटैक ले जाकर कुछ ना कुछ गलत मेरे साथ करने के। इवन इन लोगों की इतनी हिम्मत थी कि जब वहां पर खड़े खड़े मैंने चौकी अफसर को फोन किया, 5 से 10 मिनट के करीब अंदर अंदर चौकी अफसर वहां पहुंचे, तब तक मैं गाड़ी में बंद रही, बट इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि मैं मुझे उकसाने की कि मैं दरवाजा खोलूं और ये लोग मेरे पे अटैक कर सके। तो चौकी अफसर ने मौके पर फोटोज वोटोज भी ली और हम सबको चौकी लेकर जाकर मेरे से कंप्लेन ली और इन पर FIR दर्ज करी। तो कहना यह चाहूंगी कि इनकी इतनी खुली हिम्मत थी कि वहां पर इनके फादर साहब भी आते हैं, इनके ब्रदर भी आते हैं, अंजू वर्मा भी और मनोज वर्मा भी, सॉरी मनोज कुमार, वो सब भी वहां पर चौकी अफसर के सामने मनोज कुमार ने करीबन 10-15-20 बार मुझे जान से मारने की धमकी दी और ये बोला कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो इसका इलाज करूंगा, इसने मेरा बड़ा नुकसान करवाया तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में। जैसे इसके सर पर खून सवार था और इसने ये भी बोला कि ये मेरे से नहीं बच सकता। तो ये कहना चाहूंगी कि अभी भी ये लोग उसी मंशा के साथ रह रहे हैं और आगे भी ये कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं और दोबारा से मेरे पर अटैक कर सकते हैं। तो कहना ये चाहूंगी कि आज स्त्रियां जैसे हम देखते थे, वहां कल भी एक न्यूज आई कि दिल्ली में एक माइनर गर्ल पे अटैक किया, कैसे उसको मार दिया गया, यूपी में ऐसे आए दिन हम केसेस देखते हैं और भी कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर हम, लेकिन यहां पर जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आज जम्मू में और स्पेशली सांबा जैसी जगह जहां पे हम महिलाओं को इज्जत देते हैं, चिची माता जैसा मंदिर है, गोरन बाबा जैसी जगह है और मैं धन्यवाद करूंगी गोरन बाबा जी का जिनकी आज सुबह ही मैं दर्शन कर गया, शायद उन्हीं की कृपा से आज मैं जिंदा बची हूं और उन्हीं की कृपा से मैं सुरक्षित हूं। लेकिन
ये लोग अभी भी ऐसी चालें कर रहे हैं कि मेरे पर कोई ना कोई अटैक करेंगे, और अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता है तो मनोज कुमार और उसकी फैमिली पूरे जिम्मेदार होंगे, और अंजू वर्मा भी जो उसके साथ क्राइम में भागीदार है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर अटैक किया। और इस वीडियो में क्लियरली दिखता है कि ये लोग रॉन्ग साइड गाड़ी ले जाकर मुझे रोकते हैं और मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। आई विटनेस भी मौके पर जाते हैं, उन लोगों ने भी पुलिस चौकी में जाकर बयान दिया, और जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो की जाएगी। एसएसपी साहब से मेरी बात हुई है, कल हम बकायदा एसएसपी साहब से मिलेंगे भी, क्योंकि आज वो ऑक्यूपाइड थे चीफ सेक्रेटरी साहब के आने की वजह से। तो जल्द ही इस पर हम चाहते हैं कि प्रशासन कड़ा संज्ञान ले। आज सांबा को भी एक यूपी बिहार बनाकर रख दिया इन जैसे लोगों ने, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज महिलाएं घरों में भी सुरक्षित नहीं, और मेरे जैसी महिलाएं जो आउटस्पोकन है और समाज में मर्दों के बराबर का काम कर रही है, तो इन लोगों को शायद आज भी खलती हूं, और इन लोगों को पिछले 5 साल से वो अपनी हार आज तक नहीं भूली है, जिसका ये बार बार कभी किसी बहाने से मुझे प्रताड़ित करते हैं, कभी किसी बहाने से मुझे प्रताड़ित करते हैं। तो यही कहना चाहूंगी एसएसपी सांबा से कि इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करके ऐसे क्रिमिनल्स को जेल में बंद